और अभी आ चुका हूँ अपने घर की छत पे, और अभी जो देखा वो काफ़ी दुखदायक था। आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर से ये मिट्टी का मलबा आया और सीधा छत पे पड़ गया, और छत भी टूट गई देख लो, और ये टूट गया बिल्कुल, अंदर तक भर गया है। फिलहाल अंदर से शायद बच गया, और अभी दूसरी साइड से दिखाऊं, और यहाँ देखो बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुकी है कड़ी, उससे चढ़ गया है मलबा। काम कर रहे हैं जी, आप देख सकते हो पूरा पहाड़ी बोल सकते हैं, छोटी सी धार पूरी लैंड स्लाइडिंग हुई है वहाँ से, और सीधे छत के कोने पे, और कड़ी वगैरह टूट गई है एक, ऊपर वाली साइड से भी टूट गया है। तो अभी दिल को तो काफ़ी बुरा लग रहा है, बिकॉज आपको सभी को पता ही होगा कि घर बनाना कितना मुश्किल काम है, और हम जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए सपनों का घर था, और फिर से आधा टूट गया है। अब देखते हैं करते हैं साफ, करना तो पड़ेगा। झाड़ी जो थी ऊपर बची हुई वो काटी है, अब उसको लेके जा रहे हैं। और ये हैं पापा जी। अभी ना गाइस, जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये है वो ढेर जो बरसात के टाइम लगा था, और अभी इसको थोड़ा थोड़ा साफ करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया हमने। और नीचे भी आप देख सकते हो पूरी गली भर चुकी है, और अभी सफाई चल रही है फिलहाल। तो गाइस अभी इसकी सफाई पूरे 6 महीने बाद हो रही है, बिकॉज हम तो बाहर थे कॉलेज में, तो यहाँ पर घर पर कोई काम करने वाला था नहीं, तो अभी जस्ट छुट्टियां पड़ी तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो अभी ना गाइस, कुछ इस तरह से हम अपने जो मलबा पड़ा हुआ है उसको यहाँ से उस खेत तक ले जा रहे हैं। तो अभी ले जाते हैं गाड़ी में, यहाँ से भरते हैं, इसमें बेलचे से भर दी है गाड़ी, और थोड़ा सा साफ भी कर लिया है, और अब चलते हैं कुछ इस तरह से। तो गाइस इस तरह से प्रोसेस चली है, तो अभी करते हैं। इतना कर मिट्टी का ढेर था वो हमने ख़त्म कर लिया है रेडी पे। तो आज मौसम थोड़ा सही है, और आज धूप भी काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन बीच बीच में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो कुछ ऐसा व्यू है आज का यहाँ का, और कुछ ऐसा व्यू है अभी। और नीचे आप देख सकते हो ये रहा गांव अपना। तो अभी इतना कर जो ऊपर वाला पार्ट था जो यहाँ से मलबा आया था, उसको हमने रेड़ी के माध्यम से वहाँ पे पहुँचा दिया, और अब है लंच करने का टाइम, और अभी हाथ धोने
मैं थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया है। तो अभी आप देख सकते हो सीधे घर के सामने ही जो आउटडोर कुकिंग हो रही है यहाँ पे दाल गर्म हो रही है बाहर ही आग जला करके। तो मम्मी जी के क्या हाल हैं? ठीक हूँ ठीक हूँ। ठीक है, आप सुनाओ। मैं तो ठीक जी, ठीक है ठीक है। तो अभी ना आप देख सकते हो जैसे कि हवा काफ़ी है यहाँ पे, तो उस वजह से आग आगे पीछे जा रही है, और जो हमारा कुकर है उसका हाल भी आप देख ही सकते हो। तो ये देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, कहाँ पे दाल बन रही है। और तो गाइस ये जो जगह थी ये खाली कर दी थी, और ये जो ऊपर एक पीस बच रहा था ये भी आने वाला है, जब भी बरसात आएगी तो ये भी खुदा खुदा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही इसको, अभी जैसे काम चलाया हुआ यहाँ पे मिट्टी ले जाने का, तो इसको भी गिरा देते हैं। तो अभी निकाल रहे हैं इसको, अभी दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये रहे अपने पवन भाई, क्या हाल है भाई? बढ़िया हैं बढ़िया हैं बढ़िया। पिछले कल बिल्कुल बिल्कुल चला है, आप अभी आप भी आ गए ब्लॉग में। Guys, finally. So guys, finally हमने घिरा दिया है। इस बच रहा था उसको भी हमने घिरा दिया है। अब खतरा थोड़ा टल गया फिलहाल, ये भी जो पोर्शन बच रहा है इसको भी घिराना ही पड़ेगा नीचे, अभी देखते हैं। तो गाइस अभी गाड़ी में जो ऊपर से पीस आया हुआ था उसको सीधे रेडी में भर के वहाँ पहुँचाना है। और ये अपना मेमनू, पिछली वीडियोस में आपने देखा हुआ था कि मेमनू छोटा सा था, लेकिन अभी ये 3-4 महीने में ही इतना लंबा बड़ा हो गया। मेमनू 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 ककनी 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 ककनी। और ये रही अपनी कुकनी, और आ गए अपने मेमनू। तो गाइस जैसे कि मेमनू सामने पानी पी रहा है, और जिन लोगों ने आज तक बकरे को पानी पीते नहीं देखा उनको मैंने दिखा दिया। तो कुछ ऐसा ही काम है, थकान लग जाती है शाम तक मिट्टी निकालते निकालते। तो मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।